आप सभी को जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आज हम आपको करवाने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रहे आदि महोत्सव का दीदार। जी हाँ, आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ हो चुका है और इसका इनोग्रेशन जो है आज देश की राष्ट्रपति यानी महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस कार्यक्रम में ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। लगभग 1000 से ज़्यादा कारीगर यहाँ अंदर मौजूद है जो कि अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी कलाएँ जो हैं दिखा रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा स्टॉल जो है इस आदि महोत्सव में लगे हैं। मुझे लगता है बिना देरी के आपको कराते हैं इन तमाम चीज़ों का दीदार। आइए मेरे साथ। आदिवासी समाज की जब बात होती है तो जल, जंगल, ज़मीन की चर्चा ज़रूर होती है, क्योंकि कहते हैं कि आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल, ज़मीन उनका सब कुछ है। लेकिन फिलहाल क्योंकि आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हो गई है और हम अंदर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे ये कार्यक्रम 10 तारीख से लेकर 18 फरवरी तक चलने वाला है, ऐसे में जब आप अंदर आएंगे सबसे पहले नज़ारा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन से दिखा दें, वो है सेल्फी पॉइंट जिस पर लिखा है आई लव ट्राइब्स इंडिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आदिवासी एरिया में जाते हैं तो वो भी कुछ इसी तरीके का जिक्र करते हैं और कुछ ऐसी ही झलक आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर दुनिया भर के ट्राइब्स आए हुए हैं। लगभग ये कह लीजिए कि 700 से ज्यादा जो एसटी समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं और शुरुआत में ही मैंने कहा था कि 1000 से ज्यादा कारीगर जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं, 300 से ज्यादा स्टॉल है और हर एक राज्य की अपनी ही एक झलक है जो कि यहाँ पर आप देखेंगे। और ये देखिए ट्राइब्स इंडिया की झलक है कि कितनी प्राचीन पेंटिंग है। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि कम से कम इस पेंटिंग की अगर हम बात करें तो 5000 साल पुरानी भी ये पेंटिंग हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि यहीं के लोग कहते हैं जो कि ट्राइब समुदाय से आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पहले ये चित्रकारी पत्थरों पर हुआ करती थी, वर्तमान में इसका थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है और ये लुप्त ना हो इसीलिए इसको जो है प्रचलित करने के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढा जा रहा है जो कि आदि महोत्सव जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब आपको हम स्टॉल पर लेकर पहुँच चुके हैं। ये स्टॉल है झारखंड का और झारखंड के लिए जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, अब जब झारखंड जाएंगे तो झारखंड का खाना, उसका पहनावा देखेंगे। आप ये जो कपड़े देख रहे हैं जिसमें खासकर लाल रंग की पट्टी है और वाइट रंग का ये पूरा कपड़ा है, ये झारखंड में लगभग 32 जो जनजातियां हैं वो पहनती है, यानी कि जो है शेड्यूल ट्राइब के लोग वहाँ पर इसे पहनते हैं। और क्योंकि भैया दिल्ली पहुँच गए हैं अपना पहनावा लेकर, और कहते हैं कि पहनावे की बात हो, खान पान की बात हो तो झारखंड की तरफ ज़रूर देख लेना चाहिए। पूरा चाहूँगी एक बार अटायर कैमरामैन से कि आपको दिखाए, ये जो माथे पे आपने मोर पंख के साथ जो ये पहना है इसको क्या कहते हैं? टैया कहते हैं इसको, और ये इसको ड्रेस बोलते हैं, बंडी से कहा। हाँ बंडी, ये कुर्ता है और जो माथे में आप लोगों ने लगाया इसे टैया बोलते हैं। हाँ, और ये पगड़ी। अच्छा, लेकिन ये तो आम बोलचाल की भाषा की हम अगर देखें तो कहा जाता है, लेकिन अगर आप झारखंड जाए तो झारखंड में अगर किसी को इसे खरीदना हो तो वहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? कोई पहिया कुछ पड़िया कुछ करके शब्द है ऐसा मैंने सुना है। हाँ, साड़ी को पड़िया बोलते हैं जो इन्होंने पहनी है। हाँ, पड़िया साड़ी बोलते हैं और पगड़ी को पगड़ी ही बोलते हैं, फेटा फेटा बोलते हैं, और ये कुर्ता तो कुर्ता। अच्छा, लेकिन ये जो कलर है ये खासकर दो कलर है, मैं चाहूंगी आगे की तरफ आइए, खासकर जो दो कलर है मैंने ये देखा है झारखंड में अधिकतर लोग इसी दो कलर को पहनते हैं, तो ये दो कलर से इतना प्रेम, खासकर लाल और सफेद की अगर हम बात, यहाँ के वहाँ के लोकल यही ड्रेस माना जाता है, लोग जो आदिवासी लोग जो हैं वहाँ का लोकल यही ड्रेस माना जाता है। अच्छा, तो देखिए आप ये देखिए दीदी ने भी यही अटायर जो है पहना हुआ है, वही आपको सफ़ेद रंग और लाल जो है आपको उसका बॉर्डर नज़र आएगा। नीचे आप देखिए जो शर्ट है, टी शर्ट है, जो यहाँ पे बाकी आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं उसका भी ये सबसे ज़्यादा फेमस कलर है। आम तरीके से जो है इसी को धारण वहाँ पर किया जाता है और देखिए हर एक कलाकृति जो है इसमें दिखाई गई, क्योंकि झारखंड के लोग हैं और ये देखिए यहाँ पर क्योंकि आखेट करते हैं, शिकार भी पहले का समय ऐसा हुआ करता था जब किया करते थे, तो वो कल्चर यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे एक शिकारी जो है वो आखेट कर रहा है, शिकार कर रहा है। और ये देखिए कैसे पूरा जो आदिवासी समाज के जो लोग रहते हैं और ये क्या भाला जो इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये पहनावे की झलक है जो कि अभी आपने देखी है। अब आगे चलते हैं, कुछ चित्रकारी से जुड़े पहलू भी आपको दिखाते हैं। झारखंड जाइए तो सौराई पेंटिंग की झलक ज़रूर देखिए, और सोरा पेंटिंग अगर देखनी है तो मुझे लगता है उड़ीसा सबसे बेहतर जगह है। और ये देखिए ये झलक आपको दिखा दूँ सोरा पेंटिंग की जो कि उड़ीसा में फेमस है, और ये रही सोराई पेंटिंग जो कि झारखंड में फेमस है। सोराई की झलक हाल ही में 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर भी देखी गई थी।
और फिलहाल क्योंकि सोहरा पेंटिंग की बात करूं तो सीधा भैया से आपको जोड़ती हूं, आप बताइए किस जो सोहरा पेंटिंग है किस पे बनाई जाती है? मैम कौन से मैम? ये जो देख रहे हैं हम, ये किस पे बनी है? सिल्क है, सिल्क से बना जाती है। और यहाँ से मार्किंग करने से पहले कलर से डिजाइन लेते हैं और विभिन्न का पूजा पाठ है हमारा गांव को, वो यहाँ पे दिखाया गया। अच्छा, सिल्क पर बनाई जाती है सोरा पेंट? हाँ मैम। और ये जो कैनवास है ना, कैनवास के ऊपर हमें ट्रेडिशनल कलर लेते हैं, ये जो माटी है कलर। और तो सबसे पहले और हमें कौन से बना जाता है जो? अच्छा, बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कलर इसमें हम देख रहे हैं ये भी नेचुरल कलर है जिसका इस्तेमाल किया गया है सोरा पेंटिंग में, सिल्क के ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, जैसे कि पशु पक्षी और नेचर को दिखाया जाता है? हाँ मैम, ये तस्वीरें आप देखकर समझ जाएंगे। मैं क्योंकि भैया झारखंड से सीधा जोड़ देती हूँ, आप बताइए दर्शकों को आसान भाषा में सोरा और सराई पेंटिंग में क्या अंतर? जी धन्यवाद, मेरा नाम दिलेश्वर लोहरा हुआ, मैं गुमला जिला का रहने वाला हूँ और लोहरा जनजाति से मैं बिलोंग करता हूँ। ये झारखंड की सोहराई पेंटिंग जो है, दिवाली के दूसरे दिन हमारे यहाँ जो सोहराई पर्व होता है उसमें मवेशी का हम लोग पूजा करते हैं और उस दिन हमारे अपने जो घर होते हैं झोपड़ी मिट्टी के घर, उसमें बढ़िया से लेप करके और इस तरह से प्राकृतिक रंग जो है मिट्टी के जो रंग हैं उनसे हम लोग आकृति देते हैं और पशु पक्षी और जानवर के चित्र हम लोग बनाते हैं, ये ताकि हमारा जो पशुधन है उसको संरक्षित कर सकें और अपने आदिवासी समाज में इसको बचा के रखें। और हमारे यहाँ ये एक झारखंड में मान्यता है कि इसकी पेंटिंग बनाने से हमें समृद्धि मिलती है और इसका संस्कार हमारा बचा रहता है। लगभग अगर हम जानना चाहें, खासकर दर्शक जानना चाहे, जब मैं आ रही थी ट्राइबल इंडिया से जुड़ी कई सारी पेंटिंग्स थी जो बताया जाता है जिसकी कलाएँ बहुत पुरानी है, या आप क्योंकि झारखंड की बात कर रहे हैं तो ये जानना चाहेंगे दर्शक भी, लगभग ये कला कितनी पुरानी? देखिए हमारे यहाँ हजारीबाग की इसको गुफा में ये 10,000 वर्ष पहले जो है आदिवासी समाज ने उन्हों पर पत्थर पर उकेर के बनाया था और ऐसे ही हमारे जो मोटिफ है जो आकृति है उस पत्थर पर उकेर के बनाया है 10,000 साल पहले और उसी गुफा के देख करके हमारे समाज का जो धरोहर है आज हम कैनवास पर और घर की दीवारों पर बनाना शुरू किए हैं। और मार्केटिंग में ट्राइफेड की तरफ से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला है कि हम अपने आदिवासी कला को, सोहराई कला को और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी लाने का काम किया है। और बेनिफिट कितना जब इसको एक मार्केट प्लेस मिला है, कितना बेनिफिट? ये हमारे यहाँ क्योंकि मैं तो साल भर में 7-8 लाख तक मैं अपना वार्षिक आय कर लेता हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए 200 आर्टिजन हैं जो कि सब झारखंड से आते जी जी और सब आदिवासी समुदाय से हैं और उन्होंने अपने दीवार पर जो सरकारी जो भवन है उसकी दीवारों पर इस तरह के सोराई पेंटिंग करते हैं और रोज आमदनी अपना कर लेते हैं और जीविका का साधन बना लिए हैं। और ये झारखंड की झलक दिखाती है। और क्योंकि जब झारखंड की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है सीधा भैया जोहार कह के जोड़ लेती हूँ आपको, ये जो अभी आप लोग बना रहे हैं ये सारी चीजें, ये लगभग जो एक इसको क्या बोलते हैं, जो ये टोपिया जिस चीज से बनती है इसको क्या कहा जाता है? काशी घास बोलते हैं, घास काशी घास सारे जो दिया हुआ पत्ती खजूर का पत्ता है। अच्छा भैया एक बात मुझे बताइए, अभी मैं देख रही थी आप लोगों को, बहुत देर से आप लोग बना रहे थे, प्रधानमंत्री जी को भी जब झारखंड गए थे तो ये जो टोपी उन्होंने पहनी थी? जी जी मैम पहनी थी, उसका पहना नहीं गए थे हम लोग वहाँ पर मोदी जी को। अच्छा, आप लोग किस ट्राइब से आते हैं? ट्राइपेट से हम लोग वहाँ से हम लोग काम करते हैं, हम लोग से काम दिया गया है उन लोग से। अच्छा ये देखिए कैसे बना रहे, वो आप देखिए भैया बना के दिखाइए, ये देखिए ये सुई का इस्तेमाल, बड़ी सुई का इस्तेमाल हो रहा है और ये जो घास होती है उससे इसे बनाया जा रहा है। और देखिए बनने के बाद क्या होता है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है, जो कि लोग इसको अब यहाँ पर खरीद भी रहे। जब हम रोज़गार की बात करते हैं, काम धंधे की बात करते हैं, तो इसको एक तरीके से बढ़ावा मिला है। आप लोग झारखंड से भी आए हैं तो आप इसको कितना बड़ा काम मानते हैं कि अब इसको जो है प्लेटफॉर्म मिल गया है? जी ये ट्रैफिक से हम लोग का काम मिला है, उसी से भी चलते हैं, जब चलते ही है इसी। अच्छा, इसमें कितने झारखंड से लोग जो है जुड़े हुए हैं इसमें? इसमें जुड़े हुए हैं तो हम जितना हम लोगों का वहाँ का गांव में जितना लड़की लड़का है सभी लोग। कौन सा गांव है आपका? हम लोग का मकुला निमडी प्रखंड से। और वहाँ पे सारे लड़के लड़के ये काम करते हैं? जी मैम यही काम करते हैं हम लोग। अच्छा, इसको इस कला को देखिए, अब मैं कहूँगी बारीकी से देखिए, इसको सीखने में लगभग कितना वक्त लगता है? इसने सीखने में लगभग लगता है दो तीन महीने लग जाता है। आपको कितना वक्त लगा था सीखने के लिए? हम लोग को तो
साल भर देर से लग रहा है, साल भर लगा था, लेकिन सीखने के बाद जो है जब आप मार्केट में निकले इसको बेचने के लिए तो लोगों ने जो है इच्छा भी जताई इसको खरीदने की। जी मैम, खरीदने की तो इच्छा है, तो वो लोग ले नहीं सकते हैं ना। अच्छा, लेकिन कितने तक का बिकता है अगर लोग अगर खरीदते हैं तो? जैसे टोपी है, कितने तक की बिकेगी? ये बेच रहे हैं हम लोग 700 रुपये में टोपी, और ये टोकरी भी है ना, ये टोकरी भी 300 रुपये में बेचते हैं, ये फूलदानी 500 रुपये में बेचते हैं। घास को क्या बोलते हैं एक बार फिर से बताइएगा? काशी घास बोलते हैं। काशी घास, तो काशी घास से जो है ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है। मोटी सुई का इस्तेमाल होता है, झारखंड की ये कला है जो कि अभी आप देख रहे हैं। और शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि इसका इस्तेमाल जो है कब हुआ और कैसे हुआ, और क्योंकि बहुत पुरानी कला है और ये जहाँ से आते हैं वहाँ पर इन्होंने जानकारी दी कि लगभग जितने भी यंगस्टर है वो इस काम से जुड़ गए हैं, एक तरीके का रोज़गार जो है उन्हें दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब आप आदि महोत्सव में आएंगे तो आपको सिर्फ जनजातियाँ नज़र नहीं आएगी बल्कि जनजातियों में भी उप जनजातियाँ नज़र आने वाली है। ये सबसे खास बात है और उसी का सबसे बड़ा उदाहरण ये है। आगे की तरफ चलते हैं और भी पुरानी चित्रकारी और पेंटिंग्स आपको दिखाते हैं जो कि ये बताएंगी कि कैसे दुनिया की संरचना हुई और लोग आए। अभी आपको सोरा और सराई पेंटिंग की मैंने एक झलक दिखाई थी, और क्योंकि अब फिर हम झारखंड के एक नए स्टॉल पर आ गए हैं, यहाँ पर आप देखिए जादो पेटिया जिसे कहा जाता है उसकी चित्रकारी आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। ये भी झारखंड से जुड़ा एक कल्चर है, एक थीम है, एक चित्रकारी है जो कि अभी यहाँ पर आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूँ कि सागवान की जो लकड़ी है, जो सबसे हल्की लकड़ी और सबसे महंगी लकड़ी मानी जाती है, उससे ये चीज़ें बनाई गई है जो कि ठीक आपके सामने है, जिसका इस्तेमाल आप अपने घर में डेली रूटीन में कर सकते हैं। चाहे घर में आपको कोई जगह खाली है सजाना है तो वहाँ पर इसे इसके जो है खरीदा जा सकता है। और इसके अलावा ये देखिए, ये जो चित्रकारी आप देख रहे हैं जादो पेटिया जिसे कहा जाता है, इस चित्रकारी की बात अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं सीधा आपको जोड़ती हूँ भैया से। सबसे पहले तो जोहार, और जोहार के साथ ही मेरा सबसे पहला सवाल कि हर एक पेंटिंग की एक कहानी होती है, और अगर हम जादो पेटिया पेंटिंग की बात करें तो इसकी स्टोरी क्या है? जादो पेटिया पेंटिंग जो है मैडम, यह संथाल जो जनजाति है यह उसकी कल्चर से रिलेटेड होती है मैडम। जैसे उसकी कैसे उत्पत्ति हुई है, वो उसका रहन सहन क्या, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीते हैं, और वो उसका जीवन से लेकर मृत्यु तक ये जादो पेटिया पेंटिंग प्रदर्शित करती है। जैसे ये पेंटिंग आप देख रहे हैं ये हमारे उत्पत्ति से रिलेटेड बनाया गया है। जैसे आप शुरुआत में देख रहे हैं ये हमारे जो जिसको हम पूजा करते हैं मरांग बुरु जहर एरा, ये वो बनाया गया है। ये उससे दो चिड़ियाँ बनाए हैं, सुशील चिड़ियाँ, उसे दो बच्चे हुए जिसको हम लोग पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी बोलते हैं। ये उनके बच्चे हुए हैं, 7 लड़का और 7 लड़की, जो हम लोग जो गोत्र में डिवाइड हुआ, जिसको जैसे हम लोग हेमरोम सोरेन हसदा किस्कू और मुर्मू इस तरह से डिवाइड किया गया। फिर इलोंग अलग अलग दिशा में लेके गया, फिर बाद में इलोंग का मिलन हुआ, मिलन होने के बाद दोनों को शादी हुआ, शादी होने के बाद फिर जनजाति है इलोंग, एक जगह है हम लोग जिसको बोलते हैं ससांग बेटा, वहाँ इलोंग बहुत दिन रहा मैडम। बहुत दिन रहने के बाद इस तरह से जो हम लोग का संथाल जनजाति है अभी तक हम लोग बने हुए हैं। संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो शिव के उपासक भी होते हैं, उसकी एक झलक आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको जो है ट्राइबल्स लोग जो है पूजा करते हुए नजर आ रहे होंगे। जब आप बात संथाल की करते हैं तो ये भी जनजातियाँ हैं, आप बात मुंडा की करते हैं ये भी जनजातियाँ हैं, राठवा समाज की बात करते हैं तो ये भी जनजातियाँ, ये सारी जनजातियाँ हैं जो कि आपको पूरे जो है भारत में देखने के लिए मिलेगी। और लेकिन अब झारखंड की बात करेंगे तो संथाल परंगना भी जो है मेरे ख्याल से झारखंड में आता है, और ये तो हो गया कि किस लिए क्या प्रचलित है, अब बात आती है कि ये कैसा रोजगार और इससे कितना मुनाफा। मैडम क्या है कि ये जो पेंटिंग है ये अभी विलुप्त हो रही है मैडम, ये अब बहुत झारखंड में ऐसा है 2-4 फैमिली जो है इसको अभी संजो के रखा गया है, तो झारखंड सरकार प्रयास कर रही है कि इसको हम लोग बचाए रखें। तो हम लोग इसको पेंटिंग बना रहे हैं मैडम, इसके बाद कुछ कुछ पेंटिंग जो है जिसे सामान हम लोग बना रहे हैं उसमें भी इस आर्ट को लेके आ रहे हैं ताकि घर में प्रयोग में ला सके, और साथ ही साथ इस पेंटिंग को बचाए रखने के लिए आदमी देखे और ये संजो के रखा जा सके इस तरह से। मुनाफा कितना मिल जाता है, रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार तो मैडम हम लोग पहली बार दिल्ली आए हैं इसको बना के लेके आए हैं, जैसे इसमें जो लागत है उससे 200-300-400 रुपया में कुछ लागत बच जाता है, जिससे मुनाफा तो हो रहा है मैडम। और कोशिश करें कि आने वाले दिन में और भी सामान है उसमें हम लोग बना के लाए और कुछ मुनाफा। कितने लोग झारखंड में जो है इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, इस पेंटिंग और इस चित्रकारी को करते हैं?
बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुछ ही जाति जो बचे हुए हैं मैडम जो इसको कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको फैलाया जा सके। लेकिन संथाल परगना में जो है लोग जो रहते हैं वो ज़रूर इस पेंटिंग को समझते हैं क्योंकि वो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे समझते हैं, वहाँ पे जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो है इसको करना चाह रहे हैं या करते हैं, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी इसको बचाएँ और इसको लोगों तक पहुँचाएँ इसको। तो चलिए, संथाल जनजाति किस तरीके से काम कर रही है और कैसे अपनी कला चित्रकारी को आगे बढ़ा रही है वो झलक अभी आपने देखी स्टॉल पर। फिलहाल चाहूंगी कैमरामैन से कि आगे की तरफ चले और आपको कुछ झलकियां जो है और दिखाते हैं और सीधा आपको लेके चलते हैं आगे कुछ नए और अलग स्टॉल पर, जहां पर आप ये देखेंगे कि बैम्बू से क्या क्या बनता है और मार्केट में जब वो बैम्बू आता है तो उसकी बिक्री कितनी होती है। ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें, ये घर में सजाने वाली लटकन की बात हो, बांसुरी की बात हो, या फिर यहाँ पे तीर की बात हो, ये सारी चीज़ें जो है बैम्बू से बनाई गई हैं, बैम्बू की लकड़ियों से बनाई गई है। अभी तक तो हमने टीवी में यही देखा है कि बैम्बू का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए होता है, लेकिन आप लोग मुझे लग रहा है कि बैम्बू को लेकर कुछ नया और यूनिक लेकर पहुँचे हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि किस जनजाति से आते हैं छत्तीसगढ़ में? गोंड जनजाति से। तो ये आपकी अपनी कला है? हाँ, पूर्वजों से ये कला चलते आ रहा है। आप लोग कब से ये काम कर रहे हैं? ये तो दादा पर दादा पूर्वज से है। हमारा तो हो गया 40 साल हो गया, छोटे ही समय से। अच्छा, ये जो बार बार आप एक आवाज महसूस कर रहे हैं, ये पानी की आवाज है, ये देखिए। यानी कि अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में भी रहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे भी समुद्रों की आवाज महसूस कर सकते हैं इस बैम्बू के जरिए। लगभग इसे बनाने में कितना वक्त लगता है? ये कम से कम 3 दिन लगेगा इसको बनाने में। अच्छा, ये देखिए, आदिवासी समाज की खासियत क्या है, जब भी वो कुछ चीज़ बनाते हैं तो अपनी छाप और अपनी झलक जरूर छोड़ जाते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको जो चित्रकारी उकेरी हुई इसमें नजर आ रही है, चाहे वो पान का कोई पत्ता नजर आ रहा हो या मछली की झलक हो, ये सारी चीजें इस बैम्बू पर बनाई है, ये अपने आप में खास है और इसको अलग करती है। इसके अलावा क्या लेकर आए हैं आप दिल्ली वालों के लिए खास? बांसुरी भी है, ये इसको ऐसे घुमाने पर बांसुरी की साउंड आता है। मतलब जिनको नहीं आती बांसुरी बजाने, मुझे लगता है आइए और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये लगा है कार्यक्रम, आकर इसे खरीद लीजिए, क्योंकि जिन्हें बांसुरी नहीं बजाने आती है उनके लिए भी ये साउंड देगा बांसुरी का, और अभी आपने सुनाया भी। फिलहाल अभी आप देखिए, झारखंड की चर्चा हम लोग कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की तरफ आ गए हैं। आदिवासी समाज की बात हो और तीरंदाजी की चर्चा ना हो, लगता है कि बात अधूरी सी रह जाएगी। सारी चीज़ें बैम्बो से बनी है, बैम्बो स्टिक से बनी है, जिसका यूजुअली इस्तेमाल खाने पीने के लिए होता है, लेकिन इसको अब जो है कला के तौर पर भी सामने रखा गया है। ये पेन स्टैंड यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि दीमक नहीं लगता है, लकड़ियों में तो दीमक लग जाता है और लकड़ियाँ ख़राब हो जाती है। घर में सजाने के भी बहुत सारे सामान आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ये आप देखिए। तो बैम्बू से कुछ नया कुछ खास अभी आपने देखा, और फिलहाल लोग यहाँ पर क्योंकि पहुँच रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं और कुछ नई चीज़ों का आनंद भी ले रहे हैं। और अब आपको दिखाती हूँ कि अभी तक आपने गेहूं की चर्चा तो सुनी होगी, लेकिन एक कहावत है कि गेहूं के साथ जो है घुन भी पिसता है, इस तरीके की हम लोग बातें करते हैं। और जब गेहूं की बात होगी तो धान की चर्चा भी ज़रूर होगी। फिलहाल ये झलक आपको दिखा दूँ कि धान से जो है ये सारी चीज़ें बनाई गई है, देखिए। ये भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? चलिए, उड़ीसा का भी ट्राइबल कल्चर आपको अब यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। मैं चाहूँगी कि आप ये देखिए, कैमरामैन से चाहूँगी एकदम नज़दीक आए, और ये देखिए धान से बना हुआ है। इसमें एक एक धान को किस तरीके से लगाया गया है, कैसे इसको बनाया गया होगा, कितना समय लगा होगा, इसके बारे में मुझे लगता है भैया से बात कर लेनी चाहिए। और ये देखिए, यहाँ पर आपको भगवान जी की भी झलक जो है नज़र आ रही होगी। एक बनाने के लिए 2 दिन लगता है, लेकिन एक डंडा बनाने के लिए एक एक धान से बना हुआ है, एक एक धान से एक धागा बांस तीनों मिला के एक डंडा बनता है धान का सेला। और अगर मैं एक इसकी बात करूं बनाने में, इसको लगभग कितना वक्त लगता है? ये तो 2 दिन में एक बनता है। बहुत, 2 दिन में? हाँ, 2 दिन में एक बनता है। अच्छा, यहाँ पे तो प्रभु जगन्नाथ मुझे नजर आ रहे हैं,
जो कि पूजे भी जाते हैं और हमारे ईष्ट भी कहे जाते हैं, उनकी झलक आप ये देखिए। ये क्या आपने बनाया है? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी, राधा, कृष्णा, गणेश, सब कुछ बना हुआ है। ये सब धान से बना है, ध्यान से देखिए, सब में एक एक जगह पे देखिए धान लगी है। ये एक सबसे अलग कला है। अच्छा भैया, इसका नाम क्या है, क्या कहते हैं इसको? पेडीक्राफ्ट। पेडीक्राफ्ट इसे कहा जाता है, जिसमें धान का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये देखिए धान से बना है, ये हमारे गणपति जी। गणपति जी की बात हो तो एक बात जरूर याद आती है कि हर अच्छे काम की शुरुआत गणपति जी से होती है, इसलिए कहा जाता है वत्रकुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रह निर्विघ्नम कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। यानी कि जब जब आप गणपति जी का नाम लेंगे तो शुभ कार्य की शुरुआत होगी। धान से बने हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, उड़ीसा का कल्चर है, पेडीक्राफ्ट इसे कहा जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर आप इसे देख सकते हैं। तो ये देखिए 700 से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में जनजातियाँ हैं, उसमें भी 75 उप जनजातियाँ हैं और ये सभी अपना कल्चर लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। झारखंड की झलक अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी। यहाँ पे खान पान की भी बात होगी तो हिमाचल को भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे उत्तराखंड देवभूमि है, वैसे हिमाचल को भी देवभूमि कहा जाता है। और अब देवभूमि की बात हो तो तंदुरुस्ती की चर्चा भी हो जानी चाहिए, क्योंकि ठंड में रहने वाले लोग बेहतर समझते हैं कि खान पान क्या है, सबसे अलग क्या है जो हिमाचल वाले दिल्ली में लेकर आए हैं। नहीं, हमारे पास जो भी जितने प्रोडक्ट है सब यूनिक है, हमारी अपनी फार्मिंग है इसकी, टोटल हम ऑर्गेनिक और वाइल्ड में काम कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, ये जो जड़ टाइप का नजर आ रहा है? ये जो जड़ आपको दिख रहा है ये रतन जोत कहते हैं, हम रतन जोत ही है जी। इसके यूजेस क्या करने, अगर आपने इसको ऑयल में डाइल्यूट करना है, इसको आपके क्या कहते हैं कि 5 मिनट अपना कलर छोड़ देगा, इसको आप बालों में यूज कर सकते हैं और बालों में काफी अच्छा ड्यूरेबिलिटी लाएगा और स्मूथनेस लाएगा। क्योंकि हमने तो खान पान की भी बात करी है, आपने तो बालों की चर्चा कर ली, जो कि लड़कियों के लिए तो भैया बहुत ज्यादा जरूरी हो आजकल। तो मुझे लगता है कि जैसे खान पान चेंज हो रहा है, लड़कों के लिए भी बहुत मायने रखता है जी। राजमा और आपका ऑर्गेनिक सेब फ्रूट और आपका ये क्या है बेटा, ये? अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और देख पा रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं? हेजलनट। हेजलनट का जो है इस सबसे ज्यादा क्या, मतलब हेल्थ के हिसाब से क्या बेनिफिट है इसके यूज से? इससे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, जैसे दिल का दौरा वगैरह, इससे काफी कंट्रोल हो जाता है इसको खाने से। तो चलिए, ड्राई फ्रूट से लेकर खान पान की व्यवस्था है, कपड़े भी आप देख रहे हैं, और आगे चलती हूँ कुछ और नए स्टॉल आपको दिखाती हूँ। आइए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, सभी जगह की आपने झलक देखी, राजस्थान की झलक देख लीजिए। राजस्थान जाइए तो खम्मागणी बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजस्थान के भी ट्राइब्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। शुरू में ही मैंने जिक्र अभी आपको किया था कि लगभग कितने ट्राइब्स यहाँ पर आए हैं अपनी कलाओं को लेकर, और ये समय हड़ताल बजा रहे हैं। ये सबसे मुश्किल आर्ट होती है बजानी, लेकिन राजस्थान के लोग इसे बहुत आसानी से बजा लेते हैं। और ये देखिए, ये भैया कितने अच्छे से इसे बजा रहे हैं, इसे हड़ताल कहा जाता है। और ये लगभग देखिए 4 पीसेज होते हैं, एक हाथ में दो और एक हाथ में दो, कितना जो है उस आसानी से ये बजा रहे हैं। लेकिन अगर आप लेकर बजाने लगेंगे तो शायद बजाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए, हर एक ट्राइब की अपनी एक खासियत है, और ऐसे में ये लोग राजस्थान से आए हैं, जो कि अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इसको सुनने के साथ साथ बड़ा आनंद भी आपको आ रहा होगा, क्योंकि हर एक की जो है अपनी एक खासियत होती है। जैसे राजस्थान के लिए हम कहते हैं खम्मागणी, पहनावा भी आप देखिए, पगड़ी है और वही लंबी मूंछें और वही ताव है जो कि राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। खड़ताल है जो भाई अपने बजा रहे हैं, और राजस्थान के कल्चर का अभी आप आनंद ले रहे हैं। आगे की तरफ चलिए, आगे भी आपको कुछ नई तस्वीरें दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। राजस्थान का कल्चर दिखाने के बाद फिर से आ गए हम झारखंड के स्टॉल पर। यहाँ पर दीदियों ने जो हाथ में चूड़िया पकड़ी है, दरअसल इसे कहते हैं लाख की चूड़िया या फिर लाख के कड़े। सबसे ज्यादा झारखंड में होती है लाख की खेती, और उसके बाद आपने कई बार सुना होगा कि राजस्थान भी लाख की चूड़ियों और लाख के कड़ों के लिए फेमस है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि लाख की खेती सबसे ज्यादा क्योंकि झारखंड में होती है, ऐसे में दीदी आपको अच्छे से बताने वाली है यहाँ पर, जो मेरे साथ इस समय झारखंड से आई है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। जोहार दीदी, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, आप सब लोग ये लाख के जो है चीजें लेकर आए हैं, दर्शकों को सबसे पहले लाख की जानकारी दीजिए कि सबसे ज्यादा लाख कहाँ जो है मिलती है। लाख हम लोग के झारखंड में खूंटी जिला में
हम लोग को लाख की खेती किया जाता है, वहाँ पर लाख ज़्यादा होता है और जो हम लोग चूड़ियाँ बनाई हैं सब लाख से ही बना हुआ है। लाख का प्रोसेस पहले हम लोग लाख का धुलाई करते हैं, धुलाई करने के बाद चौरी बनाते हैं, चौरी बनाने के बाद बटन लैक बनाते हैं, बटन लैक के बाद हम लोग का अंतिम चरण है वो चूड़ी बनाने का। और उसके बाद बन जाती है इतनी कलरफुल चूड़ियाँ जो कि आप बाद में रंगाई करके इसको तैयार कर देते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि राजस्थान में बताया जाता है कि लाख की चूड़ियाँ बहुत फेमस है वहाँ पर, लेकिन अभी जिस तरीके से अभी आपने भी चर्चा की और हमने भी दर्शकों को बताया कि सबसे ज़्यादा अगर आप लाख की बात करेंगे तो आपको झारखंड में मिलेगा। ऐसे में आप ये देखिए, दीदियों ने भी हाथ में लाख की जो है इस समय दीदी ने कड़े पहन रखे हैं और ये भी लाख है जो भी अभी आप देख रहे हैं, और झारखंड में सबसे ज़्यादा लाख जो है मिलती हैं और उसी से जो है ये लाख बनती भी है। दीदी, अब दूसरी बात यह है कि रोज़गार के लिहाज से ये काम कैसा है? रोज़गार से के लिए हम लोग सब दीदी लोग जितनी जुड़ी हुई है, हर एक दिन दीदी लोग बैठती है और पर डे हम लोग को मतलब कि इनका जिस प्रकार से वो लोग काम करती है उसी के अनुसार हम लोग उनको मानदेय के रूप में। आप जो है कैसे जुड़ी लाख के काम से? हम लाख के काम से, लाख के काम के लिए ही जुड़े, कहें कि हमारे यहाँ लाख बिचौलियों के ये में बेच देते थे औने पौने दाम में, तो अभी ये लाख से चूड़ी बनाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा मुनाफा होता है। यानी कि आप बिचौलिया ख़त्म हो गए हैं, एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है झारखंड वासियों को, तो कमाई सही हो रही है? जी, अभी कमाई हम लोग का ज़्यादा, आमदनी हम लोग का ज़्यादा हो रहा है। तो ये खुशी जाहिर हो रही है। लगभग कितनी दीदियाँ जुड़ी है इससे? अभी 300 दीदियाँ जुड़ी हुई है इसमें। तो आप कहाँ से हैं झारखंड? झारखंड से खूंटी जिला के पेरका गांव से हैं। तो पेरका गांव में लगभग सारी दीदियाँ जो है इस काम से जुड़ी है? हाँ जी, हर एक काम से जुड़ी हुई है, जैसे लाभ में अलग दीदी है, फिर इसमें जो वंदन योजना है इसमें से जुड़ी हुई है, हर एक काम अलग अलग से कर रही है, जैसे कि मड़ुआ का अलग कर रही है, चूड़ियाँ अलग दीदी बना रही हैं, उसी प्रकार तरह तरह की बनाती हैं दीदी। तो चलिए, यही है विकसित भारत का शंखनाद जिसका टारगेट 2047 रखा गया है। आदि महोत्सव ये चल रहा है, लगभग 18 तारीख तक ये चलने वाला है। इसका शुभारंभ देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के जरिए किया गया है और लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि लगभग 300 से ज्यादा स्टॉल है, 1000 से ज्यादा कारीगर है, देश भर की 700 जातियों से जनजातियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई ऐसी जनजातियाँ, ऐसे ट्राइब्स पहुंचे हुए हैं जो अपनी अपनी पेशकश लेकर आए हैं, अपने अपनी हस्तशिल्पी, अपनी कलाएं लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि अभी आप देख रहे हैं। झारखंड का भी एग्जाम्पल अभी आपने देखा, मणिपुर भी अभी हमने आपको दिखाया, राजस्थान का कल्चर भी अभी आपने देखा, ट्राइब्स के लोगों से भी अभी आपने बातचीत सुनी और साथ ही साथ जाना कि यहाँ पर जो ये ट्राइब्स है ये कितने फेमस है और हर एक ट्राइब्स की अपनी क्या खासियत है। और इसी के साथ ये रहा आदि महोत्सव जिसका भी आप आनंद ले सकते हैं लगभग 18 फरवरी तक, क्योंकि जल जंगल जमीन की बात होगी तो आदिवासी समाज की चर्चा जरूर होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।